हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मिक्स वेज, वो भी बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे, मेरे पास है मटर, टमाटर, शलजम, गाजर, और साथ में यूज करेंगे हम ये बेबी पोटैटोस। देखिए कितने छोटे छोटे से हैं। तो इन सभी कॉम्बिनेशन के साथ हम बनाएंगे आज मिक्स वेज। तो सबसे पहले मैं आलू को अच्छे से वॉश करूंगी और इन सभी सब्जियों को छील काट के रेडी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, सारी सब्जियाँ अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है, छील करके तैयार हो गई है। ये बड़े साइज का प्याज है और ये टमाटर, और ये हमने छील लिया है आलूओं को भी और पानी में रखा हुआ है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने कुकर लिया है, इसे मैं बनाऊंगी कुकर में। तो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कुकर ले लिया है और अब इसमें ऑयल ऐड करूंगी मैं, लगभग 2.5 से 3 टेबलस्पून, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है हरी सब्जियों में। और इसको गर्म होने देते हैं कुछ देर के लिए। तो देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें ऐड करूंगी मैं 1 चम्मच जीरा, और साथ ही डाल देंगे ये प्याज जो चॉप करके रखा है मैंने, और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक। देखिए, अनियन हो गई अच्छे से ब्राउन। अब ऐड करूंगी मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और बहुत थोड़े मसालों से बनाएंगे हम ये सब्जी। इसको ऑयल में थोड़ी देर के लिए 30 सेकेंड के लिए चला देते हैं रोशनी निकलने तक। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं पोटैटो, हम साबुत पोटैटो बनाएंगे इसीलिए हमने बेबी पोटैटो लिए हैं। तो ऑयल में हम आलू को भून लेंगे कुछ सेकेंड के लिए। ये देखें, अब इसमें हम बाकी की सब्जियां भी ऐड कर देंगे, शलजम, गाजर और मटर, ये सारा चला जाएगा इसमें। और अब इसे भी हम भून लेंगे 2 मिनट ऑयल और मसाले के साथ, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। ये देखें, इसको भून लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए इसको भी भूनते हुए। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को इस बेबी पोटैटो से दूंगी चटपटा ड्राई दम आलू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इसमें मसाले डालें, मसाले हम बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे और बहुत कम मसालों में बनाएंगे। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, हम लोग बहुत कम खाते हैं तो ये ज़्यादा तीखी भी नहीं। 1/2 चम्मच हल्दी, मसाले बस यही रहेंगे और ज़्यादा मसाले यूज नहीं करेंगे। और फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो अब ऐड कर देती हूँ मैं टमाटर, ये 4 टमाटर जो मैंने कट करके रखे हुए थे ये ऐड कर दूँगी, और साथ ही ऐड करूँगी नमक। नमक ऐड करूंगी 1.5 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूंगी, बहुत थोड़ा सा, इसे मैं बाद में इसको ड्राई कर लूंगी सीटी लगाने के लिए। तो 1/2 कप से भी कम पानी इसमें चला जाएगा, बस ये 2-3 सीटी आने तक, तब तक जब तक ये हमारे पोटैटोज अच्छे से पक जाए। तो कुकर कर देते हैं बंद और आने देते हैं इसमें 3 सीटी, और जब इसका स्टीम रिलीज हो जाता है फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखिए, स्टीम रिलीज हो गया है। तो ये रही हमारी सब्जी की लुक।
आई थिंक अब पानी नहीं है इतना ज्यादा, मगर थोड़ा बहुत है। इसको हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और इस पॉइंट पे मैं नमक टेस्ट करूंगी। नमक ऐड करना होगा मुझे, आधा चम्मच मैं नमक डालूंगी इसमें अभी। और फाइनल इंग्रेडिएंट डलेगा इसके अंदर एक मसाला। ये है चिकन मसाला, ये जाएगा इसके अंदर। और इसको ड्राई होने पर भून लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए तैयार हो गई है सब्जी हमारी, और ऑयल सेपरेट हो गया, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इतना ही रखना था हमें। अब इसको मैं गार्निश करूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ती से, और इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। और मैं आपको करके दिखाती हूँ डिश आउट। तो ये गर्मा गर्म सब्जी हो गई है रेडी। ये देखें, ये रहा हमारा। तो फ्रेंड्स ये रहा फाइनल लुक। ये देखें, यमी सी सब्जी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स ये रही इस फाइनल लुक सब्जी की। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं धनिया पत्ती डाल देती हूँ इसमें। तो रेडी है हमारी रेयर कॉम्बिनेशन की सब्जी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी लगती है। डिफरेंट खाने का कुछ मन करे तो जरूर एक बार बनाइएगा। और ये सर्दियों के सीजन में ही बनाते हैं हम इसको हमेशा। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो वीडियो और रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।